एक्चुअली इज बियॉन्ड रिडेम्पशन. इसका कोई ना समझिए कि हर मर्ज का इलाज है, कोई डिजीज कुछ डिजीजेस का इलाज नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है. सलमान खान इज नॉट रेलिवेंट. कहाँ है देश की, नहीं साहब आप लोग को मीडिया वालों को क्या हो गया, देश की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, दाम क्या बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आपको चिंता नहीं है, सलमान खान पर चिंता है. नहीं नहीं नहीं, कहना मतलब है आप मीडिया वालों का दिमाग खराब है, आप लोग डाइवर्ट करते हैं टेंशन जनता की, जो रियल समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी भयंकर बेरोजगारी है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, दाल का दाम क्या हो गया, आप कहते हैं नहीं ये कोई समस्या नहीं है, सलमान खान समस्या है. ये आप लोग का पूरा एफर्ट जानबूझ के ये मिस्चिफ है आप मीडिया वालों का, कि जो रियल इश्यूज हैं उसको दबा दो और नॉन इश्यूज इश्यूज को प्रोजेक्ट करो कि ये रियल इशू, सलमान खान रियल इशू है. सब आप लोगों की बदमाशी, मीडिया को तो काफी हद तक बंद कर देना चाहिए. जनता को वो करती है, बेवकूफ बनाती है कि वो रियल इश्यूज देश के सामने, कि फलानी फिल्म स्टार का अफेयर किससे के साथ चल रहा है, या क्रिकेट में सेंचुरी किस, बेरोजगारी नहीं समस्या है, हैं दाल का दाम क्या हो गया ये कोई समस्या नहीं है, फिल्म स्टार बाबाज फलाने बाबा आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि किसी ने कहा क्या बाबा जी मेरी बीबी से झगड़ा हो गया तो कहते हैं पकौड़े खाओ समोसे खाओ. ये आपके मीडिया वाले हैं, यानी बिल्कुल आप लोग जनता को बेवकूफ बना रहे हैं. मीडिया तो काफी हद तक बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल इट्स अ डाइवर्ट्स अटेंशन बिफोर द पब्लिक, जनता को बेवकूफ, ये आपकी मीडिया है. सलमान खान की आप बात कर रहे हैं इसी से साबित हो जा रहा, और मुझे कुछ नहीं कहना.